भारत में फैले कोरोना वायरस के कुछ तार सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। क्या आप जानते हैं कि गोदी मीडिया, उसे करोड़ों का सरकारी विज्ञापन मिलता है, मगर एनडीटीवी जैसे प्लेटफॉर्म को लगभग शून्य सरकारी विज्ञापन मिलते हैं। एक और जहां देश कोरोना संकट से लड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, लोग भी घरों में बंद रहकर अपने आप से को इस वायरस से बचा रहे हैं। मेनस्ट्रीम मीडिया इस वक्त भी टीआरपी के लिए कोरोना पर हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान के साथ जोड़ने में लगा है। इसके साथ ही तबलीग के कोरोना कांड की जांच भी जारी है और अब इससे जुड़ा एक ऐसा सनसनीखेज सच सामने आया है जिसके मुताबिक तबलीग का कोरोना कांड एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिसका मास्टरमाइंड है पाकिस्तान। लेकिन आज आर पार में खबरों का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े खुलासे का दिन है और यकीन मानिए ये खुलासा इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर भी है क्योंकि भारत में फैले कोरोना वायरस के कुछ तार सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। हमारे पास वो पुख्ता जानकारी मौजूद है जिससे ये साफ हो रहा है कि पाकिस्तान ने भारत में कोरोना की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक गहरी सोची समझी साजिश रची। मीडिया लगातार एक ही समुदाय को टारगेट कर रहा है अपने प्राइम टाइम के जरिए या फेक न्यूज फैलाकर। न्यूज एजेंसी ANI ने ट्वीट कर एक खबर चलाई जिसमें उन्होंने लिखा कि सेक्टर 5 हरोला नोएडा में जो तबलीगी जमात के सदस्य के संपर्क में आए थे उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। ANI द्वारा DCP नोएडा का हवाला दिया गया था। DCP नोएडा ने ट्वीट कर इस खबर को गलत बताया और लिखा कि जो लोग पॉजिटिव केस के संपर्क में आए थे उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार छोड़ दिया गया था, तबलीगी जमात का कोई जिक्र नहीं था। आप गलत खबर फैला रहे हैं। ANI ने भी फिर गलती मानते हुए इस ट्वीट को ठीक कर दिया। इतना ही नहीं, न्यूज नेशन के न्यूज एंकर दीपक चौरसिया ने एक खबर अपने ट्विटर पर डाली जिसका लिंक तबलीगी जमात से बताया उन्होंने। उन्होंने लिखा कि प्रयागराज में जमात पर टिप्पणी करने पर युवक की हत्या कर दी गई, मोहम्मद सोना पर गोली मारकर हत्या का आरोप लगा है। टिप्पणी करने पर गोली मारना इतनी हवेनियत आती कहां से है। सुदर्शन न्यूज ने भी इस खबर को तबलीगी जमात से जोड़ दिया लेकिन प्रयागराज पुलिस ने इस न्यूज का खंडन किया। पंजीकृत कर नामजद कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया है। मृतक और अभिव्यक्ति पक्ष पास पड़ोस के रहने वाले हैं। इनमें से किसी का भी संबंध तबलीगी जमात से न होने की बात प्रकाश में नहीं आई है। देखा आपने किस तरह फेक न्यूज का जरिए एक ही समुदाय पर निशाना बनाया जा रहा है और दीपक चौरसिया तो खुद तबलीगी जमात को तालिबानी जमात बताकर मुकर गए थे। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। इसके अलावा दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमाई, मेरे मुँह में शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुँह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब जमाई, अपने कान का इलाज करवा लीजिए। इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस, ये एक धार्मिक संगठन है जो गौद्या वैष्णव्य संप्रदाय का है। हाल ही में यहाँ भी एक इवेंट हुआ जिसमें 1000 लोग शामिल हुए। इसमें 21 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए और 5 लोगों की मौत हो गई। इसकी जानकारी इस्कॉन ने अपनी वेबसाइट पर दी। जब तबलीगी जमात में लोग कोरोना संक्रमित पाए गए उन दिनों में वैष्णो देवी में भी कई लोग फंसे थे और की ओर हजूर साहिब में भी काफी लोग फंसे हुए थे। मीडिया सिर्फ एक ही समुदाय पर निशाना साध रहा है। हमारा यहाँ ये बताने का मकसद यही है कि इस वायरस को धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। हाल ही में सोनिया गांधी ने PM मोदी को लेटर लिखकर सरकारी विज्ञापन को 2 साल के लिए बंद करने का सुझाव दिया था जिसमें 1,250 करोड़ रुपए प्रति साल की जो बचत होगी उसका इस्तेमाल कोरोना से लड़ने में किया जा सके। दैनिक जागरण ने न्यूज प्रकाशित किया और लिखा कि सोनिया गांधी का ये बयान आपातकाल की याद दिलाता है, पर किसी भी मीडिया ने सरकारी विज्ञापन में हो रहे भेदभाव को जिक्र नहीं किया। जो न्यूज चैनल सरकार की चाटुकारिता करता है उसे कोरोना के सरकारी विज्ञापन मिलते हैं और जो सरकार से सफाल करता है उन्हें सरकार कुछ नहीं देती। सीनियर पत्रकार अभिसार शर्मा ने अपने शो में बताया कि विज्ञापन को लेकर मीडिया किस तरह इतना बेबस है। क्या आप जानते हैं कि गोदी मीडिया, किसी का मालिक अगर भारतीय जनता पार्टी में सांसद है उसे करोड़ों का सरकारी विज्ञापन मिलता है, मगर NDTV जैसे प्लेटफॉर्म को लगभग शून्य सरकारी विज्ञापन मिलते हैं। एक न्यूज चैनल है जिसमें 2 पत्रकार काम किया करते थे। ये 2 पत्रकार सत्ता से कठिन सवाल पूछा करते थे। नतीजा क्या हुआ कि एक बाबा जी हैं जिनके विज्ञापन सभी चैनल्स पर चलते हैं,
पहले तो उन बाबा जी ने अपने तमाम विज्ञापन उस चैनल से खींच लिए, दूसरा सरकारी विज्ञापन लगभग न के बराबर उस न्यूज चैनल को मिल रहे थे। कुछ दिनों बाद उन दोनों पत्रकारों ने उस चैनल को छोड़ दिया, उनके लिए माहौल ऐसा बनाया गया कि उन्हें छोड़ देना पड़ा। बाबा जी के सारे विज्ञापन उस चैनल पर दोबारा आ गए। मीडिया को मजदूरों की समस्या पर बात करनी चाहिए, आम जनता की परेशानियां का जिक्र करना चाहिए, बढ़ती बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए, गिरती अर्थव्यवस्था पर बात करनी चाहिए। मीडिया को इस वक्त जनता की आवाज बन के आगे आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।